मथुरा के गोवर्धन में गौड़ीय संप्रदाय के लोगों ने धूमधाम से गोवर्धन की पूजा की। गिरिराज जी को अन्नकूट का भोग लगाया। वही राधा कृष्ण के नाम से गिरिराज नगरी गुंजयमान हो उठी। ढोल मजीरा और राधा कृष्ण के संगीत के साथ सिर पर अन्नकूट का प्रसाद लेकर गौड़ीय संप्रदाय के लोग हजारों की संख्या में गिरिराज तलहटी पहुंचे। गौड़ीय संप्रदाय के लोगों ने गिरिराज पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गौड़ीय मठ से श्रद्धालु गिरिराज तलहटी तक राधा कृष्ण के संगीत के साथ सिर पर अन्नकूट का प्रसाद रखकर पहुंचे, जहां भगवान गिरिराज को अन्नकूट का भोग लगाया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि गौड़ीय संप्रदाय के लोगों में इस दिन का विशेष महत्व होता है। गिरिराज पूजा की मान्यता ये है कि जैसे हम और संसार में देखते हैं कि सब लोग अपनी इच्छा कामना के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उपासना करते हैं, पर वो लोग ये नहीं जानते हैं कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गिरिराज स्वयं क्या है? कृष्ण है। और कृष्ण क्या है? पर देवता। कृष्ण क्या है? हमें सब कुछ दे सकते हैं। अगर हम गिरिराज पूजा करते हैं तो इस संसार में जो भी इच्छा करें अथवा नहीं करें वो क्या है, हमें मिलेगी ही मिलेगी, और कृष्ण कृपा करके हमें देंगे ही देंगे। और गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हम क्या कर रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इसकी मान्यता है श्री माधवेंद्र भूलपा जी ने, श्री नाथद द्वारा के सिद्ध गोपाल जी हैं, गोपाल जी को गिरिराज में ही प्रकट किया था और उनकी स्थापना करके 56 भोग अन्नकूट लगाया था। और भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को गिरिराज जी की पूजा करवाई और उसके द्वारा तभी से ये पूजा चली। गिरिराज जी ये स्वयं भगवान कृष्ण ने स्वयं गिरिराज जी के स्वरूप में प्रकट होकर के उन्होंने उस शब्द का प्रसाद दिया हुआ भोजन ग्रहण किया और बोले कि आनो रे, आज भी आनोर गांव है जहाँ आनो रे और लाओ। सभी ने हाथ जोड़ दिया, सभी संतुष्ट हुए और सभी को आशीर्वाद दिया, उन्होंने वरदान दिया। गिरिराज जी आज हमारे ब्रज के जागृत होता है, जो गिरिराज जी की कोई भी प्रार्थना करे, कुछ भी करे, वे प्रसन्न होते हैं। आज गिरिराज जी को यदि कोई एक चावल की दाना भी भोग लगाता है तो जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती है।